मैं समझ सकती हूँ, जितना मुश्किल ये तरुण के लिए है उतना ही मुश्किल तुम दोनों के लिए भी। तुम्हारे लिए भी तो आसान नहीं है काजल, लेकिन यही एक रास्ता है जिसे सुनीति तरुण की जिंदगी से दूर चली जाएगी। सुनीति की परछाई भी तरुण की जिंदगी में नहीं रहेगी, तभी वो अपनी पहचान बना सकेगा। काजल, तुम तरुण के पास जाओ, इस वक्त उसे तुम्हारे सहारे की जरूरत है। तुम्हें किसी से कहकर जाना चाहिए था। अब तो जो कुछ भी कहेंगे वो एक कोर्ट के ऑर्डर्स कहेंगे। क्या है ये? पढ़ लो, इसमें साफ साफ लिखा है, अब तुम मुझे मेरी बेटी से अलग नहीं कर सकते और ना ही मुझे उससे मिलने से रोक सकते हैं। रीड इट। अब कभी भी कानूनी तौर पर मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी। अब नेवा। अभय का शक सही निकला, तृप्ति शीतल के पास ही है। थैंक गॉड, फिर तो वो ठीक ही होगी। अब शीतल जैसी भी है तो तृप्ति की माँ ही ना। अगर वो तृप्ति की माँ है तो उसे क्या जरूरत पड़ गई अपनी बेटी को किडनैप करने की? बेटा, उसे किडनैपिंग नहीं कहते, वो तो बस बिना किसी को बताए तृप्ति को सुनीति के कमरे से ली गई थी। यू मीन शीतल की बेटी मासी के पास रहती है? तेरी मासी ने तृप्ति के पिता से शादी जो की है, इसलिए वही अब तृप्ति की माँ है। मासी है ही इतनी प्यारी, लेकिन फिर मासी वो गाना कैसे भूल गई? तारा, तेरी मासी इतनी बिजी रहती है, भूल गई होगी। महेश राव पाटिल, ये नहीं छोड़ेगा मेरे को, गायत्री को भी नहीं छोड़ेगा, मार डालेगा ये, पर मैं क्या करूं? मेरे को जाके गायत्री को सब बोल देने का, सब बोल देने का। उसको बोलेगा कि महेश राव उसको ढूंढते ढूंढते गांव से शहर ही चाहेला। गायत्री, मैंने तुमसे कहा ना, मैं नहीं जानता सुनीति कौन सा गाना गाया करती थी तारा के लिए। और मैं समझती थी कि तुम सुनीति के बारे में सब कुछ जानते हो। सुनीति मेरे बारे में सब कुछ जानती है, लेकिन हाँ, तारा के लिए तुम्हें वो गाना गाना ही पड़ेगा, वरना उसे शक हो जाएगा कि तुम उसकी मासी नहीं हो। इसी बात का तो डर है मुझे। तुमने देखा नहीं अभय, तारा कैसे देख रही थी मुझे, जैसे उसे शक हो गया हो कि मैं उसकी मासी नहीं हूँ। मुझे पता करना पड़ेगा कि वो कौन सा गाना है। पता तो करना पड़ेगा, लेकिन पता कैसे लगाओगी तुम? आखिर किसी को पूछ भी तो नहीं सकती ना, क्योंकि अगर किसी को पूछोगी तो उन्हें शक हो जाएगा कि तुम सुनीति नहीं हो। मैं तरुण से पूछ सकती हूँ, उसे कभी शक नहीं होगा, वो मुझे बताएगा कि वो गाना कौन सा था। तरुण, अगर तरुण जानता है तो ना। ऑफ कोर्स जानता होगा, वो सुनीति के साथ एक ही घर में रह चुका है, वो मुझे बताएगा। हाँ, आइडिया तो ठीक है, पर तुम तरुण को पूछोगी कैसे? अब आपको सुनीति मैडम ने बुलाया है। ठीक है, उनसे कहना कि मैं ये बस ये फाइल खत्म करके आता हूँ। साहब अभी बुलाया है।
ठीक है। सुनीति, तुमने मुझे बुलाया? तुम्हारा नाम ही तरुण है तो जाहिर है कि मैंने तुम्हें ही यहां बुलाया है। कुछ काम है? ऑब्वियसली तुम्हारा चेहरा देखने के लिए मैंने तुम्हें यहां नहीं बुलाया। कुछ काम होगा तभी तो मैंने तुम्हें यहां बुलाया है तरुण। कहो क्या काम है? एक्चुअली ये काम चंदन भी कर सकता था लेकिन मैंने सोचा मेरे पर्सनल कामों के लिए मैं ऑफिस का इतना इंपॉर्टेंट प्यून क्यों वेस्ट करूं। क्या पर्सनल काम है? सुमन दीदी के घर जाना है, तारा आई है। तारा आई है? हाँ, वो तारा को मनाने के लिए मैं उसे एक गाना सुनाती थी, उसी गाने का कैसेट भेजना है उसे। अरे पण बोला ना मैं तेरे को मालती, अभी थोड़ा वक्त और लगेगा। हाँ अरे मैं आएगा ना। काय को? तू काय को आएगी इधर? अरे नको नको, मैं आएगा ना उधर। अरे दो दिन में आएगा, शपथ रे। नक्की नक्की। हे सुन्ना, तेरे लिए बहुत मस्त ड्रेस लिए लाया पून। वो अपनी उर्मिला मातुंडकर पहनती है ना, बिल्कुल वैसा ही पहन के बहुत झकास लगेगी तू। शर्मा गई हाँ। चल रख, अभी रख, मेरे को मिलने हो जाने का है किसी से। बारह बारह अल्लाह या पुन का बाप, अपना शादी करा के पूरा लाइफ चौपट कर डाला। पहला कैसा आजाद पंछी ऐसा, एक डाली से दूसरे डाली, दूसरे से तीसरा, उड़ता था मैं, लेकिन ये एक डाली बच गया अपुन से। गायत्री, एक बार वो मिल जावे ना अपुन को। भाई का फोन नंबर तो दिया है, भाई जल्दी फोन कर। मासी। अब तो नाराज नहीं है ना तू अपनी मासी से? बिल्कुल नहीं। वेरी गुड, तरुण अंकल आ रहे हैं इसी गाने का कैसेट लेकर। कैसेट? हाँ, ताकि जब तुझे अपनी मासी से शिकायत हो तू ये गाना सुन सके। क्यों मासी, आप खुद यहाँ नहीं आओगे? आऊंगी तारा, डेफिनेटली आऊंगी, जैसे ही वक्त मिलता है मैं आऊंगी। ओके, नाउ बी अ गुड गर्ल एंड गिव मी अ स्माइल, कम ऑन, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। ठीक है, बाय बाय। मैडम। हाँ चंदन, बोलो। एक आदमी आया आपसे मिलना चाहता है। आदमी? कोई अपॉइंटमेंट है? नहीं मैडम, लेकिन वो कह रहा था बहुत अर्जेंट काम है आपसे। क्या नाम है उसका? नाम तो उसने बताया नहीं, वो कह रहा था कि वो गायत्री का मामा है। ठीक है, उसे अंदर भेज दो। ओके मैडम। मामा को मुझसे इतना अर्जेंट काम क्या हो सकता है कि वो मुझे मिलने यहां तक आया? गायत्री, मामा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? हे बोरी, मेरे को माफ कर दे, माफ कर दे मेरे को। माफ कर दो? लेकिन क्या किया है तुमने? अब उन तेरा गुनहगार रे, बहुत बड़ा पाप हो गया ना मेरे से। मामा साफ साफ बताओ मुझे क्या किया है तुमने। हे बोरी, तेरे को याद ना, वो अपने गांव में वो महेश राव पाटिल। महेश राव पाटिल? Oh. हाँ याद है मुझे, उस सरपंच का बेटा जिसकी गांव की हर लड़की पर बुरी नजर थी। याद है मुझे मामा। तेरे पर भी थी, उसने तेरा वास्ते मेरे को पैसा दिया। क्या? और तूने तूने सचमुच वो पैसा ले लिया? अपन वो पैसा लेके तेरे को यहाँ शहर में लाया हीरोइन बनाने का वास्ते।
अपुन सोचा कि वो तेरे को ढूंढ नहीं पाएगा, लेकिन 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 क्या मामा, लेकिन क्या? वो इधर ही चाय ला। वो तुझसे मिला? तो तू उसे यहाँ क्यों नहीं लाया? मैं उसी वक्त उसे पैसे देकर यहाँ से रफा दफा कर देती। पूरी इतना आसान बात नहीं रे, उसको पैसा नहीं मांगता तो वो हर कीमत पर तेरे को हासिल करना मांगता। मामा तू बोला मेरे को जो सौदा हुआ वो पूरा करने का, पैसा बहुत है मेरे पास, पैसा मिट्टी मेरे लिए, ऐसा सब बोला। वो क्या समझता है मैं वही गांव की कमजोर गायत्री हूँ? मामा अब मैं गायत्री नहीं, सुनीति हूँ, जिसके पास इज्जत है, रुतबा है और जिसके पास एक पति भी है। पति? मजा तूने लगन कर ली? हाँ मामा, मैंने शादी कर ली और अगर मेरा पति मुझसे प्यार करता है तो वो मेरी हिफाजत महेश राव से जरूर करेगा। सुनीति ने जैसा तुमसे कहा था बिल्कुल वैसा ही कर रही है तरुण के साथ। और रो रही है? हाँ, क्योंकि उसने तो कभी किसी का बुरा चाहा ही नहीं है, हमेशा सबका भला ही किया है। अब भी तो वो तरुण का भला ही कर रही है ना। अब इसके आगे जो कुछ भी करना है वो काजल को करना है। काजल? वो बेचारी क्या कर सकती है? भैया काजल तरुण से प्यार करती है, अगर तरुण काजल के मनाने पर मान गया तो ये साबित हो जाएगा कि तरुण भी उससे प्यार करता है। You're right. पर मीरा अगर वाकई दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो फिर एक दूसरे की बात भी मान लेंगे। या तो काजल ये जान जाएगी कि तरुण सुनीति से ज्यादा उसे चाहता है, या फिर तरुण ये मान लेगा कि सुनीति उससे नफरत करती है। और तभी हो पाएगी उन दोनों की शादी। मेरे दिमाग में एक प्लान है, अगर आपको और सुनीति को ये प्लान ठीक लगे तो काजल को समझाया जा सकता है कि उसे अब आगे क्या करना होगा। कैसा प्लान? सबसे पहले तो काजल को घर छोड़कर जाना होगा। रवि। अरे तारा, आओ बैठो। कहाँ थे तुम सुबह से, नजर ही नहीं आया। तारा से मिलने गया था। तारा? मैं और मीरा भी गए थे उससे मिलने। कितनी झलक आती है ना उसमें सुनीति की। हाँ, वही प्यार, वही अपनापन, मुझे तो आने ही नहीं दे रही थी। तो रुकना था ना उसके साथ और थोड़ी देर। हाँ, लेकिन यहाँ ऑफिस में इतना काम है। सुनीति अपने कैबिन में नहीं है? हाँ, वो किसी क्लाइंट से मिलने गई है। अच्छा, क्या बात है तरुण, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या हो सकता है? नहीं, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम बुझे बुझे से रहते हो, उदास से रहते हो। उदास? क्या बात है तरुण? रवि, तुम उसके दोस्त हो, तुम जानते हो क्या? सुनीति की बात कर रहे हो? हाँ। वो मुझसे इतनी नाराज क्यों है? मुझे नहीं मालूम। पता है रवि, वो मुझसे सीधी तरह बात नहीं करती है, वो ही नहीं अभय भी बात नहीं करता है। कल तो उन लोगों ने मुझे घर छोड़कर जाने को कहा। तो तुम ये घर छोड़ के चले क्यों नहीं जाते? रवि, मेरा मतलब है तरुण, अगर तुम्हें लगता है कि उस घर में तुम्हारे लिए जगह नहीं है, इस ऑफिस में तुम्हारे लिए जगह नहीं है, तो तुम्हें वो घर ही नहीं बल्कि दर्पण भी छोड़ के बस चले जाना चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं दर्पण छोड़कर चला जाऊं? दर्पण के बिना मैं करूंगा क्या? दर्पण से ही तो मेरी पहचान है। इसीलिए तो तुम्हें अपनी नई पहचान बनानी होगी। नई पहचान? क्योंकि अब तक जो तुम्हारी पहचान थी तरुण, वो तो अब रही नहीं ना। तुम क्या हो तरुण? कहां दर्पण का प्रेसिडेंट और कहां एक ऐसा आदमी जो बस दर्पण में काम कर रहा है और जिसके पास बैठने के लिए अपनी एक जगह भी ना हो। लेकिन मैं दर्पण में तो हूं। ऐसा क्यों नहीं कहते कि तुम सुनीति के पास तो हो? रवि, तुम भी ऐसा कह रहे हो। तरुण, मैं तुमसे कुछ और ही कहना चाहता हूं। मैंने पता लगा लिया है
जगन लूथरा लिपस्टिक को बहुत ही सस्ते दाम में बेचना चाहता है। मैं चाहता हूँ कि तुम लिपस्टिक खरीद लो और सुनीति को और इस दुनिया को दिखा दो कि तुम्हारी भी कोई अपनी पहचान है सुनीति के बगैर। रवि, तुमने बहुत बड़ी बात कह दी है। आज तो कह दिया, लेकिन आइंदा ऐसी बात कभी मत करना। तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि मैं लिपस्टिक खरीदूंगा और दर्पण से दुश्मनी करूंगा? रवि, तुमने मुझे बहुत बड़ी गाली दे दी है, बहुत बड़ी। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं तरुण कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं। गुड्डी बहन। अरे कृष्णा भाई। बेबी। गुड्डी बहन, गुड्डा भाई कहाँ गए, दिखाई नहीं दे रहे? जरा मार्केट गए सामान लेने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात बताना गुड्डी बहन, ये शीतल मैम साहब अजीब हरकत कैसी कर रही है? वो तो चौकस पागल हो गई है। क्या पागल हो गई है? अपने कमरे में बैठ के अकेली अकेली बताने क्या बड़बड़ करती रहती। और एक दिन तो तृप्ति बिटिया को चुरा के लेके गई थी। तृप्ति बिटिया को चुरा ले गई? हाँ। कितने परेशान हो गए थे अभय साहब, मैं कहूँ कितने परेशान हो गए थे। तब तो मैं अभय साहब से कहूँगा कि यहाँ पे पल भर के लिए भी रुकना ठीक नहीं है, वो वापस अपने घर लौट चले तृप्ति बिटिया और सुनीति मैम साहब को लेकर, ताकि वो कुमार साहब यहाँ के बस जाए। ना ना, अभय साहब को यहीं रहना चाहिए। ठीक है, तब हम भी यहीं रहेंगे तृप्ति बिटिया की देखभाल के लिए। हाँ, ये ठीक है। ठीक है रवि, मैं जानती थी कि तरुण नहीं मानेगा, लेकिन उसे मानना होगा। मैं उसका और अपमान नहीं कर सकती, नहीं कर सकती मैं उसका और अपमान।